Hello friends, this is Rekha Singh. Welcome you all on Carry Studies Hub. आपकी आवाज आ रही है? Okay, okay. Thank you. A warm welcome to you on Carry Studies Hub. आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. आपकी आवाज आ रही है. I think ये पॉइंट्स बहुत बहुत बधाई हो. सबसे पहले तो रुचि जी आपको. मैं सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को बताना चाहती हूँ रुचि जी का यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है एज एन डिप्टी जेलर. सो रुचि जी अपने एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर करेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रुचि जी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुई आपकी सक्सेस को देखकर. तो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हम सबको थोड़ा बताइए रुचि जी. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? यस मैम, मैं यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ. मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, हम चार भाई बहन हैं. मुझसे बड़े एक भाई जो अभी यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, और मुझसे बड़ी दो सिस्टर हैं जिनकी शादी हो चुकी है. मैम मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई है. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन धामपुर से किया, और उसके बाद मैम मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी से कंप्लीट किया 2016 में. मैम इसके बाद मैं 2-3 महीने का मुझे टाइम लगा. उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं पीएचडी कर लेती हूँ. मैंने एमएससी केमिस्ट्री से की है. फिर मेरे माइंड में मैंने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी, और मेरे भैया वगैरह ने थोड़ा मुझे यूपीएससी के बारे में बताया. तो तब मैंने माइंड में सेट किया कि अब मुझे यूपीएससी की मेन प्रिपरेशन करनी है मैम. मैम तो स्टार्टिंग में जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा जीएस से कुछ लेना देना ही नहीं था, जिसके बाद थोड़ी कंफ्यूजन भी थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था. तो मैम इसलिए मुझे थोड़ा कोचिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा. मैम तो मैं 2.5 साल तक दिल्ली गई हूँ. तो किस ईयर में आप दिल्ली गए थे रुचि जी? मैम मैं 2016 के नवम्बर में दिल्ली चली गई थी. तो दिल्ली में रह के आपने तैयारी की. एक और बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ. रुचि जी ने 64th बीपीएससी का इंटरव्यू भी इस बार दिया है. तो फाइनल अभी लिस्ट आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है. तो वी होप के रुचि जी का वहाँ पे भी सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक उन्हें हासिल हो. वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट. सो रुचि जी जैसा कि आपने बताया आप दिल्ली गए गाइडेंस की कमी के कारण, और फिर वहां पे आपने तैयारी स्टार्ट की. तो यूपी पीसीएस में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मैम यूपी पीसीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट. और मैम 64th बीपीएससी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा. और यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं? यस मैम, मेरा यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ. तो मैम मेरा बीपीएससी क्लियर हुआ. फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस का ट्राई किया, तो मेरा फिर ध्यान यूपीएससी से हटकर थोड़ा भी इधर आ गया था स्टेट लेवल पर. जैसे कि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो यूपीएससी जैसा ही हो गया है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आसानी हो गई है. वो पैरेलली यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के एग्जाम्स दे सकते हैं, बिकॉज मोर और लेस जो मेंस का सिलेबस है वो सेम हो चुका है. प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है अभी, जबकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू द यूपीएससी. तो रुचि जी अपने तैयारी के अनुभव थोड़े सा हमारे साथ शेयर कीजिए. क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, कैसे किया? जैसे कि आपने बताया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हुआ है. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं. तो थोड़ा उस पर रोशनी डाल दीजिए प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी पर. यस मैम, जैसे यूपी पीसीएस में देखा जाए प्रीलिम्स और मेन दोनों की अलग ही स्ट्रेटेजी रही है मैम. जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, स्टेट वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो जब मैंने इसके प्रीवियस, सबसे मेन फोकस मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है. मैम मैंने 20 से 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए. मैंने क्वेश्चन का नेचर देखा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, इन सारे क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस की है. और मैम फैक्चुअल जैसे इंडिया का सेंसस वगैरह, यूपी का थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये फैक्चुअल के लिए मैंने एक घटना चक्र मैगजीन आती है yes, तो उसी yes. से पढ़ा था यूपी पीसीएस के लिए मैम। यस मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैम मेंस का अगर मेरा रहा है घटना चक्र बहुत इम्पोर्टेंट एक मैगजीन है जो यूपी पीसीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहती है, स्पेशली द प्रीलिम्स। तो वो रुचि जी ने पढ़ी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे पढ़ते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आ जाते हैं, तो इट इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा रुचि जी मेंस का क्या आपका रहा स्ट्रेटेजी? मैम जैसा कि मेरा यूपीएससी मेन टारगेट था, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने कोचिंग के दौरान एक हमारा ग्रुप बन गया था सब लोगों का, तो हम डेली आंसर राइटिंग करते थे। तो मैंने एक डेढ़ दो साल तक कंटिन्यू रोज मेंस आंसर राइटिंग की है, चाहे वो एसे हो या मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। और मेरा ऑप्शनल इतना अच्छा रेडी हो गया था कि मतलब मेरी बहुत अच्छे से कमांड होगी, और मुझे लगता है कि मेरा जो दोनों मेंस निकले उसमें ऑप्शनल की बहुत अहम भूमिका रही है। मैं बताना चाहूंगी ऑप्शनल स्टूडेंट्स को बता दीजिए दैट व्हाट इज योर ऑप्शनल। मैम मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी रहा है। वेरी नाइस। तो जैसे कि रुचि जी बता रही हैं कि ऑप्शनल पे कमांड होने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी मार्क्स नहीं आए हैं। यस मैम। तो रुचि जी का ऐसा मानना है कि मेन ऑप्शनल पे कमांड होने की वजह से उनका मेंस क्लियर हुआ है बीपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने ऑप्शनल पे कमांड रखना। यस मैम। ओके रुचि जी जीएस पेपर्स के लिए जैसे मैम मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं आपको अपने बेसिक के साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है उससे लिंक करना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी आंसर राइटिंग पे कमांड है तो आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता है मैम। इसलिए मुझे यूपी पीसीएस के लिए कोई भी मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी पड़ी है। मैंने सिर्फ मैं अपना जो एक पेपर में क्वेश्चन आते हैं टाइम पे आपको लिखना होता है, फिर उसे लिख के समझ के आपको अच्छे से करना है। तो मैं हमेशा मैम 5 मिनट पहले ही अपना कंप्लीट कर लेती थी पेपर में, तो मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है मैम रोज डेली आंसर राइटिंग करने का। देखिए जैसा कि गाइस रुचि जी बता रही हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग में। उनका जो आंसर राइटिंग होती थी 5 मिनट पहले ही खत्म हो जाती थी रियल एग्जाम में, तो वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेंस मेक्स द मेंस परफेक्ट। सो प्रैक्टिस जो लोग करेंगे उनको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और जैसा कि रुचि जी ने कहा है कोई टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, सेल्फ स्टडी से किया है। तो दूर रूरल एरियाज में गांव में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि नहीं बिना कोचिंग ज्वाइन किए या बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए नहीं हो पाएगा, तो रुचि जी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आई विश के बहुत सारे स्टूडेंट्स रुचि जी से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, स्पेशली द फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं। सो रुचि जी ये तो आपका प्रीलिम्स और मेंस का जर्नी हो गया। जीएस के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी के जो मेंस आपने लिखे हैं तो आपने डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, ये सब का कितना इस्तेमाल किया अपने आंसर्स में? मैम मैंने डायग्राम और फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा यूज किया है। मुझे लगता है कि आप कम टाइम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी कम बातें लिखकर ज्यादा बता सकते हो, एक अलग इंप्रेशन आपका जाएगा। और हर क्वेश्चन में ऐसा करना चाहिए कि आपको हाफ मार्क्स दूसरों से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैपिंग करनी और करंट अफेयर से लिंक करके लिखना और उसका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, ये काफी हद तक आप अगर मेन आंसर राइटिंग स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ये सब नहीं आता है, पहले आपको लिखना सीखना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा जो आपके आंसर को परफेक्ट करेगा मैम। यस जैसा कि रुचि जी कह रही है कंटेंट का पता होना, कंटेंट आपके पास होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड भी करना है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और अपीलिंग होना चाहिए आपका आंसर, जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ आपके आंसर में कुछ बात है और वो पढ़ने पे मजबूर हो, देखने पे मजबूर हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे सके। तो उसके लिए रुचि जी बता रही है कि उन्होंने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और डिफरेंट जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया अपने आंसर को मोर अपीलिंग बनाने के लिए। फाइन, वेरी नाइस रुचि जी। और इंटरव्यू के आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। यस मैम, जैसा कि बीपीएससी का रिजल्ट पहले ही आ गया था, यूपी पीसीएस का बाद में आया है, तो उस टाइम पर मेरा मेंस था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोरोना भी चल रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करूं। तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कैरी स्टडी हब चैनल को और रेखा मैम का, जिन्होंने बहुत अच्छी मेरी हेल्प की है, स्टार्टिंग में मुझे गाइड की है। मैंने एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च किया, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डाला तो मुझे कैरी स्टडी हब की कुछ वीडियोज दिखी, तो मैंने जिसे ओपन किया तो मुझे जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। तो उस टाइम तो मैं बीपीएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैम ने पूरा अच्छे से बता दिया था कि स्कीम पढ़नी है आपको, अपना डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की, जिसका बेनिफिट मुझे यूपी पीसीएस इंटरव्यू में भी मिला है। मैम के द्वारा मुझे बीपीएससी का एक मॉक इंटरव्यू भी लिया गया था जिसने मेरी काफी हेल्प की है। थैंक यू सो मच रुचि जी, दैट हमारे छोटे से इनिशिएटिव से आपकी हेल्प हुई है और आप एक्सेल कर पाई हैं, आपको सफलता मिली है, हम बहुत खुश हैं इसके लिए। और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो सब सफलता पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 64th बीपीएससी इंटरव्यू जो दे चुके हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सब सफल हो और उन सब का हम एक एक करके इंटरव्यू लें, अपलोड करें चैनल पे, हमें बहुत खुशी होगी और लाखों स्टूडेंट्स उनसे प्रेरणा लें। सो रुचि जी, वन मोर क्वेश्चन दैट कि आप के घर में आपको कौन इंस्पायर करता है सबसे ज्यादा, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है स्टार्टिंग से? मैम मेरी फैमिली में, वैसे मेरी फैमिली का ही, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सबका सपोर्ट बहुत रहा है मुझे स्टार्टिंग से ही। हमेशा मेरी फैमिली में मेरे पापा ने लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे ही बढ़ाया है, भले ही हमारे गांव में मतलब ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी जाती है, लेकिन मेरे पापा ने इस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। सेकेंड, मैं अपना श्रेय देना चाहती हूँ अपने भैया भाभी को, जिन्होंने मुझे दिल्ली भेजा और मतलब मुझ पे विश्वास किया और मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा मैं श्रेय अपने भैया भाभी को देना चाहती हूँ। बहुत खूब। देखिए, जैसा कि रुचि जी बता रही है कि उनके मॉम डैड ने उन्हें बहुत हेल्प किया, पढ़ाई में आगे रखा। हर बार ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को माँ बाप भरोसा नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं कराते हैं, इक्वली आप लड़कों के बराबर ट्रीट नहीं करते हैं। रुचि जी जैसे बता रही है कि उनके भैया भाभी ने उन्हें सपोर्ट किया, दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा गाइडेंस के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, वो अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप भरोसा करेंगे तभी लड़कियां कुछ करके दिखा पाएंगी। लड़कियों के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, गर्ल्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, तो उन पर भरोसा कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और वो जरूर रिजल्ट आपको देंगी। जैसा कि रुचि जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं उस चीज का। तो रुचि जी के माता पिता ने उन्हें सपोर्ट किया, जैसा कि रुचि जी बता रही हैं गांव में पढ़ाया नहीं जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है लड़कियों को, बट उनके फैमिली मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट किया, तो आज उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स का नाम रोशन किया है। यूपी पीसीएस में सफलता पाकर लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, बट उनमें से कुछ ही अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया है रुचि जी कि उन्होंने आपको प्रेरित किया, पढ़ाया और यहाँ तक आपको लेकर आए हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा उनको थैंक्स मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्पेशली ट्रस्ट करें, भरोसा करें, उन्हें इक्वली ट्रीट करें, प्यार करें, क्योंकि जब इक्वली इन्वायरमेंट में वो तैयार होंगी, पढ़ेंगी, तो वो अच्छा जरूर करेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है भरोसा, ट्रस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ब्रीफ इंटरव्यू हमें देने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स भी आपसे कुछ लर्न कर सकें। उसके अलावा आप कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं जाते जाते, तो आप दे सकती हैं। इट विल बी एड ऑन। यस मैम, मैं यस मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी तैयारी में कर लगे हुए हैं, सबसे पहले पेपर की डिमांड को समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, ये मेंस हो या इंटरव्यू। सबसे पहले उसे समझना, फिर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी मेहनत सभी करते हैं। बस ये होता है कि ज्यादा नोट्स पर निर्भर ना रहे, मतलब कि एक बुक्स ले, उसी रिवीजन बार बार करे। मैंने बुक्स बहुत कम पढ़ी है, एनसीईआरटी भी लिमिटेड पढ़ी है। मेरे नोट्स सब लोग आके पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ा है, तो मैं सबको बताती हूँ कि नोट्स कम रखिए, और जितने नोट्स रखिए एग्जाम आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये पढ़ना है और आप देख लीजिए, इससे कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर भटकना नहीं है, एक मैगजीन आप कोई भी पकड़िए और उसे ही लगातार उसी से रिवीजन कीजिए। तो मुझे लगता है कि सोर्सेस हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं, हम लास्ट टाइम पे उसे रिवीजन नहीं कर पाते हैं। मेरा मेंस हो, इंटरव्यू है, प्रीलिम्स हो, मैम मैं कुछ पेपर में ही पूरा सिलेबस कर लेती हूँ। Very nice. तो जिसका बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता है। रुचि जी जैसे बता रही हैं, और बहुत सारे टॉपर्स का यही मानना है कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, कंसाइज रखिए, अपने नोट्स इतने शॉर्ट और कंसाइज रखिए कि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर सको। ठीक है, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। जितना आपके जो नोट्स हैं वो प्रिसाइज रहेंगे, कंसाइज रहेंगे, आपको रिवीजन में उतनी ज्यादा हेल्प रखेगी। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए और कंटिन्यूस रिवीजन करिए। सो दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ रुचि जी। रुचि जी यही फॉर्मूला अपना के सक्सेस को पाया है। सो थैंक यू सो मच रुचि जी आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। 64th का रिजल्ट आएगा तो आई विश के फिर थैंक यू मैम, आपके साथ लेना पड़ेगा क्योंकि आप प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स में से हो, सिलेक्शन जरूर होगा बीपीएससी में भी। थैंक यू सो मच रुचि जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम।